एक्सोप्लैनेट, और यह एक्सोप्लैनेट धरती को भेज रहा है रहस्यमय संकेत। तो यह सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई ना, किसी फिल्म का एक सीन भी याद आया ना। नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी, और आज जब मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक ऐसा प्लैनेट जो नरक की तरह है, एक ऐसा प्लैनेट जो पृथ्वी को रहस्यमय संकेत भेज रहा है। कहानी रोमानी सी लगती है, कहानी बहुत ही विचलित करने वाली लगती है, क्योंकि क्या यह संभव है? क्योंकि वैज्ञानिक लगातार दूसरे ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं, और यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे प्लैनेट के बारे में जो कि रहस्यमय संकेत भेज रहा है। सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट 55 कैनिक्री ई 2004 में अपनी खोज के बाद से लंबे समय से खगोलविदों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पृथ्वी के काफी करीब स्थित इस चट्टानी एक्सोप्लैनेट का आकार हमारे ग्रह से लगभग 8 गुना ज्यादा है। खास बात यह है कि रहस्यमय संकेत भी उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि रहस्यमय संकेत भेज रहा है, और यही वजह है कि पिछले 2 दशकों से, यानी कि 20 सालों से इस प्लैनेट ने वैज्ञानिकों को भ्रमित कर रखा है। एक हाली अध्ययन की अगर हम बात करें तो इन रहस्यों के संकेतों का समाधान प्रस्तावित किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। यह संभव भी हो पाया, इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, और अब तक का सबसे शक्तिशाली और सबसे जटिल टेलीस्कोप इसको कहा जाता है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20 सालों के बाद वैज्ञानिकों के पास इस खगोलीय घटना के लिए एक असाधारण व्याख्या है, यानी कि उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया है। क्या कहती है वो रिपोर्ट, उनका अनुमान जो है उसके मुताबिक आपको बताते हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से और वायुमंडल के गायब होने की चक्रीय परस्पर क्रिया ग्रह के अजीब व्यवहार के लिए जिम्मेदार हो सकती है। क्या यह संभव है, हम आपको बताते हैं। जबकि चरम परिस्थितियों की अगर बात करते हैं तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पृथ्वी को अपने मूल तारे के साथ आकाशीय नृत्य के दौरान ग्रह से प्राप्त होने वाले परागमन संकेत है। ये सितंबर में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में स्वीकार गए एक पेपर में ये बताया भी गया है कि धरती के एक हिस्से पर अचानक अंधेरा छा गया, अंतरिक्ष स्टेशन से तस्वीर ली गई, और पीछे की जो कहानी आई वो नासा ने बताई। क्या कहानी बताई कि 55 कैनिक्री ई पर क्यों निकलती हैं गैसें? दरअसल जब 55 कैनिक्री ई अपने तारे के पीछे छिप जाता है तो ग्रह से कोई स्पष्ट संदेश, यानी कि स्पष्ट प्रकाश नहीं निकल पाता, और यही वो प्रकाश निकलता है जो कि भ्रमित करता है। ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया तो आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में दूसरे ग्रहों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, और दूसरे ग्रह का प्राणी इस फिल्म में आता भी है, और वो जादू के नाम से फेमस होता है, फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है। तो क्या दूसरे ग्रह पर कोई प्राणी है? दूसरे ग्रह पर कुछ चीजें अभी तक ऐसी हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। हालांकि टेलीस्कोप की मदद से जो बात सामने आई है वो ये कि इस ग्रह पर गैसेस बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से कंपन होता है जो कि रहस्यमय संकेत भेजती है। लेकिन इसके साथ ही इस बात का पता लगाना अभी बेहद जरूरी है, क्या भारत के अलावा या विश्व के अलावा या पृथ्वी के अलावा कई और ऐसे ग्रह भी हैं जहां पर प्राणी रहते हैं? रहस्य बड़ा है, लेकिन जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे।